Assalamu alaikum, this is your host Ramin from Runway Pakistan. Today we have a very inspirational guest with us, and he has traveled almost 2400 kilometers from Khunjerab to Karachi. So without any further delay, let's just introduce Qudees Kiani. Kya haal aapka? Alhamdulillah. Okay, so let's just come that how did you start this journey? What was your motivation behind it? Kis tarike se ye idea aaya dimag mein ki ye karna hai, and what was the actual cause? जो साइकिलिंग है वो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, 3 साल से काफ़ी रेगुलरली साइकिलिंग करता रहता हूँ. छोटे मोटे में इवेंट्स करता रहता था, जिस तरह मैंने इस्लामाबाद टू लाहौर किया था, इसी तरह इस्लामाबाद से मरी साइड तो जाता रहता था. साइकिलिंग का काफ़ी पैशन है. जो ये वाला प्लान था ये इस तरह बना कि कश्मीर में आपको पता है काफ़ी टाइम से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हुआ हुआ है. तो मेरे माइंड में आता रहता था कि लोगों को इसके बारे में कैसे अवेयर किया जाए. बींग अ कश्मीरी, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट अवेली से बिलोंग करता हूँ कश्मीर के. तो मेरे माइंड में ये आया सारा ट्रिप जो खुंजराब टू कराची, एक्चुअली हर एक साइकिलिस्ट के माइंड में होता है एक आइडियल राइड जिसे आप कह सकते हैं. मेरे हाल से जो भी साइकिलिंग करता है रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस, उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये ज़रूर होता है कि एक दिन अल्टीमेटली ये वाला गोल मैंने अचीव, टारगेट अचीव करना है. तो मैंने क्या किया कि ये सारा प्लान किया तकरीबन 3 महीने पहले, और साथ ही मैंने कहा कि जो कश्मीर वाला मैसेज है वो भी मैंने इसके साथ साथ शेयर करना है. तो उसमें फिर ये हुआ कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी को भी इन्वॉल्व किया, उनसे डिस्कस किया मैंने हम किस तरह कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे किस तरह लेके चलेंगे चीज़ों को, और हमें मीडिया का अगर साथ मिल जाता तो काफ़ी हेल्प मिलेगी मैसेज को शेयर करने में. तो फिर मैंने इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता पहले प्लान किया, सारा रूट प्लान किया, और उसके बाद फिर रूट प्लान करने के बाद अपने मैंने डिफरेंट स्पॉन्सर्स वगैरह लिए, साइकिलिंग इक्विपमेंट पूरा करना, और फिर ये राइड मैंने स्टार्ट की. ओके, तो जितने भी लोग आपके साथ आपके इस कोर्स में शामिल थे, बी ए फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और योर फ्रेंड्स, वर दे सपोर्टिव इनफ, वर दे लाइक के हाँ आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो? मोस्ट ऑफ देम. काफ़ी लोग ये भी कहते थे कि काफ़ी टफ है आज तक, क्योंकि ये किसी ने नहीं किया. मेरी पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट से बात हुई थी, तो ये सेड कि इट्स इम्पॉसिबल, नो वन हैज़ एवर डन इट. जो नेशनल लेवल के साइकिलिस्ट भी होते हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद से कराची तक 12 डेज में करते हैं, और आप कह रहे हैं कि आप 9 डेज में इस्लामाबाद टू कराची करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं. और आपके सिर्फ अगर इस्लामाबाद टू कराची की बात करें, खुंजराब को और पीछे था, तो मैं कहा मैं आपको करके दिखाऊंगा. इसी तरह बाकी भी काफ़ी लोग थे. अब जिस तरह यूनिवर्सिटी का था उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया, लेकिन एंड पे आके उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप ना जाएं. बेशक हमने आपको स्पॉन्सर कर दिया है लेकिन आप अभी ना जाएं. लेकिन मैंने क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन बहुत की थी, ट्रेनिंग बहुत की थी, और साथ में मेरा जो एम था इस सारे चीज़ को लेके, मैं उसको छोड़ नहीं सकता था. तो फिर मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे, जिस 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि आप ना जाएं बेशक, तो लेकिन मैंने अपने कहा कि डिसीजन से मैं बैकआउट नहीं करूँगा, तो फिर मैं इस पर निकल आया. ज़्यादातर लोगों ने, जिस तरह मेरे भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, फैमिली ने इजाज़त दे दी, जो कि एक बहुत ही उनके लिए टफ डिसीजन था, तो फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया, लेकिन सब ये कह रहे थे कि बहुत टफ है, आप शायद ना कर पाओ. सपोर्ट भी कर रहे थे कि ट्राई करें लेकिन आप कर नहीं पाएंगे. ये तो आपकी, आपने कहा ट्रेनिंग का आपने इसमें मेंशन किया है, आपने ट्रेनिंग करी थी, तो व्हाट वाज योर ट्रेनिंग लाइक? इसकी जो बेसिकली ट्रेनिंग होती है, साइकिलिंग में आप सिर्फ साइकिलिंग नहीं कर रहे होते, इसमें आपकी कोर शोल्डर्स काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप 50 या 100 किलोमीटर्स करेंगे तो आपकी बैक में पेन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी बाजू बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, क्योंकि जो स्पेशली पाकिस्तान की रोड्स हैं, जिस तरह GT रोड या नेशनल हाईवे, इन पे जो है छोटे छोटे खड्डे होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको जो है ना शॉक्स लग रहे होते हैं. तो हाइब्रिड बाइक इसलिए होती है आपके पास कि उन शॉक्स से बचा जा सके, लेकिन फिर भी आपके बाजू इतने स्ट्रांग होने चाहिए, और आपकी कोर स्पेशली सबसे इम्पोर्टेंट वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो इसके लिए मैंने फिर 2 महीने पहले से ही जो है जिम करना स्टार्ट कर दिया था, डिफरेंट एक्सरसाइजेज वगैरह, जो कि मैंने बाहर में एक्सचेंज प्रोग्राम पे गया था, वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीखी थी, और बाकी मैं यूट्यूब वगैरह से देखता था, ट्यूटोरियल्स उनको फॉलो करता था. बाकी डाइट मैंने काफ़ी उस अच्छे में काफ़ी ख्याल रखा, मेरी जो है काफ़ी लाइट चीज़ें खाना, इस तरह की कोई ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें नहीं, और प्रोटीन की इनटेक ज़्यादा होती थी, तो डाइट का भी और अपनी स्लीप रूटीन सारी चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना पड़ा, और
बिल्कुल एक दिन भी काफ़ी दिल करता था आज बिरयानी खाएं दोस्तों के साथ ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, दो महीने मैंने काफ़ी जो है ना स्ट्रिक्टली सब कुछ एकदम चीट डे नहीं किया नहीं नहीं कोई चीट डे तो आप मुझे ये बताएं दैट व्हेन यू वर ऑन दिस जर्नी बेसिकली तो कोई हर्डल्स ऐसी फेस आई दैट टाइम व्हेन यू लिटरली वांटेड टू जस्ट गिव अप कि भाई अब बस नहीं हो रहा, ऐसा कोई स्टेज आया? क्योंकि यू नो कंसिडरिंग द फैक्ट व्हेन पीपल वर एक्चुअली लाइक कि आप नहीं कर सकते और इतना मुश्किल है, तो अगर हमसे पूछते हम भी ये कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सिंस नो वन हैज डन इट. व्हाट वाज दैट अबाउट द हर्डल्स एंड द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस्ड? डाउन्स काफ़ी थे इस सारी राइड के दौरान. इनफैक्ट जब जिस दिन राइड स्टार्ट होनी थी 8th अक्टूबर को, तो मैंने उसके लिए निकलना था 5th को, यहाँ से इस्लामाबाद से निकलना था खुंजराब के पहले जाना था बस पे. तो मेरा 5th को ही जिस दिन मेरा टिकट था 2 बजे, मेरा 11 बजे एक्सीडेंट हो गया मोटरबाइक से. Really? जी और उससे ये हुआ कि मेरे इंजरीज पूरे बॉडी पे, मेरा शोल्डर इंजर्ड था, मेरे बेली पे इंजरी थी, मेरी नीज काफ़ी इंजर्ड हो गए थे, पाँव भी. उसमें फिर मैं गया डॉक्टर के पास चेकअप करवाने, तो उसने मुझे कहा कि आपको एटलीस्ट 1 वीक का रेस्ट चाहिए. लेकिन जो मेरा सारा प्लान था उसमें ये था कि खुंजराब और बाबूसर पे जो है 1 हफ्ते बाद फोरकास्ट था कि स्नो होनी है, तो मैं लेट भी नहीं कर सकता था उनसे. तो फिर मैंने क्या किया कि उसी दिन मैंने कहा उसी टिकट पर निकल जाता हूँ, रास्ते में थोड़ा इलप हो जाएंगे तो आगे जाके देखते हैं, स्टार्ट कर लेंगे. उसी तरह मैं निकल गया उसी कंडीशन में. बस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैं उठ भी नहीं सकता था, सही मेरी नीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे, तो सीट के लिए भी मुझे सहारा वगैरह लेने की जरूरत पड़ती थी उठने बैठने के लिए. तो मैं निकल गया, उसमें एक जख्म किसी हद तक हील हो गए थे, ब्लीडिंग वगैरह तो खैर रुक गई थी और बाकी भी. तो बिल्कुल खुंजराब 2 दिन में पहुँचा, तो मुझे फील हो रहा था कि मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ किसी हद तक. नीज़ के लिए मैंने सपोर्ट्स लगा ली, नी सपोर्ट्स होती हैं तो उनसे थोड़ी बहुत मुझे उम्मीद थी हेल्प मिल जाएगी. फिर जब मैं खुंजराब पहुंचा, वहाँ पहुंचा तो जब स्टार्ट करने लगा पहला दिन, जैसे ही स्टार्ट करने लगा मैं, तो लोग थे कुछ कराची से गए हुए वहाँ पे और सब आगे पूछने लगे कि किस तरफ कर रहे हैं राइट. तो मैंने बताया मैंने कराची तक जाना है, वो काफ़ी सरप्राइज थे, हमें यकीन नहीं आ रहा आप कर सकते हैं कराची तक. तो हुआ ये कि उसी टाइम में कुछ क्लिप्स बना रहा था कि जंप करवा रहा था, वन व्हीलिंग करते हैं जो साइकिलिंग की, तो मैं वन व्हीलिंग कर रहा था, मेरा चेन उसी टाइम अभी कोई डिस्टेंस नहीं किया था उसी टाइम मेरा चेन टूट गया बाइसाइकिल का. अच्छा मुझे चेन सेट करना तो आता, लेकिन मेरा 3 साल में कभी चेन नहीं टूटा था कभी किसी भी बाइक का, और उस पॉइंट पे जाके मेरा चेन टूट गया. बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ. एक ऑप्शन था कि मैं गाड़ी पर रखता और जाता वापस नीचे जो बाज़ार था 80 किलोमीटर्स दूर था. Okay. लेकिन मैंने कहा कि उससे मेरा टाइम ज़्यादा होने पर, आगे बाबू सर का मेरे माइंड में था कि वहाँ पे स्नो के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. तो टाइम का जो है कंस्ट्रेंट, वो टाइम को काफ़ी फॉलो करना था. तो मैंने ये किया कि मैंने कहा साइकिल को लेके चलते हैं, पैदल भी थोड़ा डाउन स्लोप है और कर लेंगे. अच्छा मैं लेके चला तो रास्ते में मुझे आइडिया आया कि मैं स्केटिंग भी करता रहता हूँ स्केटबोर्ड पर, तो मैं एक पाँव रखा मैंने पैडल पे, दूसरे पाँव से मैं पुश करता रहा उसे थोड़ी देर. तो जो फर्स्ट 80 किलोमीटर्स हैं वो मैंने उसे मैं साइक्लो स्केटिंग का नाम दिया मैंने तो वो मैंने उससे कवर किए. फिर आगे मैंने वहाँ सेट वगैरह करवाया, मेरे नीज में क्योंकि पहले इंजर्ड थे तो साथ साथ प्रॉब्लम चलता रहा, पेन किलर साथ लेता रहा, साथ ही में क्रीम्स वगैरह होती थी उनकी मालिश वगैरह रोज़, वो हर 20-25 किलोमीटर बाद मैं साथ साथ करता रहा. नेक्स्ट डे चेन वगैरह ठीक था, साइकिल ठीक थी, लेकिन मेरे नीज काफ़ी हर्ट कर रहे थे. मैं हुंजा पहुंचा तो उधर डॉक्टर ने कहा कि आपको रेस्ट की शदीद ज़रूरत है, आप किसी सूरत में निकलें. लेकिन मैंने उस दिन और ही ज़्यादा पेन किलर्स लिए और मालिश वगैरह करके सही, तो मैं अगले दिन भी निकल गया. लेकिन वो वैसे तो स्टूपिड डिसीजन लग रहा था, लेकिन उस दिन मेरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई नीज वगैरह में, तो उसके बाद थोड़ी सी स्मूथ हुई राइड. ओके. करते करते फिर एक टफ पार्ट था बाबू सर टॉप वाला, उसमें ये था कि उस टाइम पे होटल्स भी बंद, मिस जिस जगह पहुँचा रात पे तो वहाँ पे पता चला कि नीचे से मुझे बताया था कि आप ऊपर जाएंगे होटल्स खुलें, लेकिन ऊपर पहुँचा पता चला कोई भी होटल कोई आबादी भी नहीं उस एरिया में जहाँ मैंने रुकना था रात. तो फिर मैं एक पुलिस चौकी में रात रुका, उन्हें ख्याल वगैरह अच्छा रखा, और रात पता चला कि ऊपर बाबू सर टॉप पर बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन लकीली इतनी बर्फ़ नहीं पड़ रही कि रोड ब्लॉक हो जाए. तो वहाँ से फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में निकला. बाबू से टॉप की क्लाइंब बहुत टफ थी और उसमें मेरे जो नीज का प्रॉब्लम था वो दोबारा
जो है आ गया और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे नीज की वजह से, लेकिन मैंने बॉम्ब से टॉप भी कर लिया और फिर मैं उसी दिन आ गया नारान। अच्छा, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी इतना टॉप, क्योंकि उसकी एलिवेशन जाती है 3000 से 13000 पे और वो भी इंस्टेंट 40 किलोमीटर्स के अंदर अंदर ये सारी जाती है। तो मैंने कहा अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, इतने अरसे से मैं डाइट का भी कॉन्शियस था और सब चीज़ें फॉलो कर रहा था, मैंने कहा थोड़ी पार्टी करते हैं। तो मैंने वहाँ पहुँच के खाई बिरयानी, जिससे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, प्रॉब्लम हुई, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुई। तो फिर अगले दो दिन जो है मैं बहुत वीकनेस फील कर रहा था और उन दो दिनों में मेरा 5 kg वेट डाउन हो गया इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते, फिर काफ़ी प्रॉब्लम थी। फिर वहाँ इस्लामाबाद पहुँच के डॉक्टर ने मुझे रेस्ट का कहा कि आप एटलीस्ट 2 weeks का रेस्ट करें, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा जब बेटर फील करूँगा तो निकल जाऊँगा। 6 days का रेस्ट किया मैंने इस्लामाबाद में और फिर उससे आगे मैं निकला इसके लिए कराची वाली साइड के लिए। फिर रास्ते में इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई क्योंकि मेरी नीज वगैरह भी सेट हो गए थे काफ़ी हद तक और बाकी ट्रेनिंग अच्छी थी, तो मेरे क्रैम्प्स वगैरह इतने कोई प्रॉब्लम उस तरह की नहीं, मसल्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये डाउन्स थे लेकिन काफ़ी, और वो 6 दिन वेट करना, हर रात मुझे नींद नहीं आती थी कि मैं मतलब जो मिशन है मेरा वो डिले हो रहा है उसमें, हाँ शायद ना हो पाए, मैं फिट भी हो सकूँगा या नहीं, क्योंकि ऐसी में मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, बहुत ही वियर्ड किस्म का कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि प्रॉब्लम है क्या। तो लेकिन 6 days के बाद भी मैं कम्प्लीटली फिट नहीं था, लेकिन मैं अपने मकसद की तरफ चले गए। तो कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर मतलब यू नो हर्डल्स तो चले आपको बहुत सारी आई, आपकी हेल्थ भी खराब हो गई, वो सब कुछ जो 3 साल में आपके साथ नहीं हुआ उसी दिन हुआ, बट कोई ऐसा पॉइंट जहाँ आपको लगा कि यार यहाँ आप उस पॉइंट पर आपको बहुत मजा आया हो, कोई फ्रॉम खंजराब टू कराची वाज एनी पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू एंजॉयड द मोस्ट? सारे पॉइंट्स, हर दिन हर मोमेंट मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि एक तो मेरा ड्रीम अचीव हो रहा था, मैं हर पॉइंट पे ये रियलाइज़ कर रहा था कि मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, हर पेडल के साथ मुझे फील आ रही थी कि मैं उसके क्लोज जा रहा हूँ। जैसे जिससे डिस्टेंस जिस तरह 1 kilometer हुआ तो अब मुझे पता चला कि 2400 kilometer में से 1 minus हो गया और उस तरफ जा रहा हूँ मैं, तो ये एक जो फील थी कॉन्स्टेंट फील मुझे बहुत अच्छी मोटिवेशन भी दे रही थी और साथ साथ मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा था। और हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि मतलब सारा पेन सब कुछ एक साइड, और मैं उन व्यूज़ में इतना डूबा हुआ था और स्पेशली था भी अकेले, तो उस चीज़ को मैं बहुत इन्जॉय किया और हमेशा मैं उसको बहुत मिस करता रहूँगा उस फील को। और मेरी ये विश है कि मैं दोबारा भी उस साइड जाऊँ और दोबारा साइकिलिंग करूँ इसके अलावा भी, तो वो ओवरऑल तो बहुत फन था, मतलब मेरी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स में से वो एक है, वो स्पेशली वो वाली राइड। फिर जब मैं GT रोड वाली साइड पर आया, स्टार में मुझे फील हुआ कि अब कहाँ वो नॉर्थ के व्यूज़ और अब कहाँ मैं आ गया हूँ गर्मी में और धूप में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी जो है ना चीज़ें, जिस तरह जब लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था वो पूछते थे आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको कमेंट्स कैसे रिसीव होते थे लोगों से कि किस टाइप के कमेंट्स वर दे, लाइक सरप्राइज? ऑब्वियसली दे वर सरप्राइज लाइक वी आर, बट एनी यू नो कमेंट इन पर्टिकुलर दैट यू रिमेंबर और समथिंग? अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जब मैं खंजराब से स्टार्ट किया, मैं कराची तक पहुँचते हुए बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप, हाँ वो रोकते थे बाइक पे साथ साथ आते थे, किसी ने मुझे सलाम नहीं किया, सब पूछते हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, वो यही समझते हैं फॉरेनर है जो आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कम फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस जो बाइकिंग के लिए। जी मैं कश्मीर हूँ, कश्मीर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता था हमेशा, फिर मैं उन्हें बड़ा मासूमाना अंदाज में कहता था भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, कहते थे वाह माशाल्लाह, फिर वो पूछते थे कौन से एरिया से हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो जब मैं उन्हें बताता था सारी राइड की डिटेल्स तो वो बहुत खुश होते थे। और मुझे काफ़ी जगहों पर, जिस तरह जब मैं होटलिंग करता था वो काफ़ी जगहों पर मेरा रेंट कम कर देते थे, फिर फूड की जगह जगह ऑफ़र करते थे, आपको चाय पिलाते हैं, आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, तो हर जगह पे बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी हमारे पाकिस्तान इस चीज़ के लिए फेमस हैं, लेकिन इस ट्रिप में इस राइड में मैंने इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपीरियंस किया बहुत अच्छे अंदाज में डेफिनेटली। और इस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखा, क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट स्टॉप पर मैं रुकूँगा, वहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे मिलेंगे जो मुझे फ्रेश कर देंगे, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ थी इस ट्रिप के दौरान। जो आपकी कॉज थी कश्मीर को लेके, कि कश्मीर उसमें हमारा मीडिया या ऑब्वियसली यू रीच आउट टू पीपल एंड सिंस यू आर स्टूडेंट फ्रॉम नस्ट, तो वो ना उस वक्त कितने सपोर्टिव थे, हाउ वाज द मीडिया बीइंग रिस्पॉन्सिव इनफ फॉर यू,
उन लोगों ने किस तरीके का रिस्पॉन्ड आपको दिया, जिस तरीके के कॉस्ट के लिए आप निकले थे वहाँ से बाहर? जब मैंने स्टार्ट किया था तब से मैंने कॉन्टेक्ट करना शुरू किया था लोगों के साथ। स्टार्ट में इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था कि ये कर सकते ऐसा, लेकिन जैसे जैसे मैं आता गया हूँ आगे आगे तो रिस्पॉन्स बेहतर होता गया। लोगों ने, मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा शेयर भी कर रहे थे साथ साथ, तो वो मुझे सुकून था कि मैसेज मेरा शेयर हो रहा है, लोगों के साथ कम्युनिकेट हो रहा है। मेरे पेज पे रीच 20,000 तक 10,000 इस तरह आ रही थी, तो वो मुझे पीस था। लेकिन फिर जब मैं आगे हूँ तो रास्ते में कुछ टीवी चैनल्स ने भी कॉन्टेक्ट किया, आज न्यूज़ पे मेरा इंटरव्यू एयर हुआ, बोल ने भी लिया था मेरे ख्याल से एयर हुआ यानी। फिर इसी तरह फिर जब आगे आता गया हूँ तो डिफरेंट और भी चैनल्स ने रीच आउट किया, लेकिन कुछ के फिर ये था कि इंटरव्यूज अभी इस्लामाबाद में होने, और लेकिन रिस्पांस अच्छा था, सब ने इंटरेस्ट लिया। और बेसिकली जो आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं और जो आपका मकसद था वो पूरा हो रहा है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग आपको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एंड वही चीज़ है ना कि जब आप लोग किसी भी इस तरीके की जर्नी के लिए निकलते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली ट्रेन योर सेल्फ फॉर दिस। बगैर ट्रेनिंग के इस तरीके से नहीं निकला जा सकता कि आप बगैर ट्रेनिंग के निकल जाए। स्पेशल ट्रेनिंग करी गई है इतने टाइम तक, प्रॉपर डाइट फॉलो करी गई है, देन ही हैज़ मूव टूवर्ड्स समथिंग एंड फॉर अ मिशन दैट ही हैज़ अकम्प्लिश, एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट यू अकम्प्लिश दैट, एंड वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड। एनी advice that you want to give to the people and anything which you think that our media or we can do from this platform to support this cause that you have actually brought up? Okay, the first lesson, I think the most important lesson in during this whole journey is that you should stick to your dreams no matter what. मैंने आपको डाउन्स बताई इसमें सारे ट्रिप्स के जो कि बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक चीज़ थी कि मैं हमेशा ही सोचता था कि मैंने इसके लिए कितनी एफर्ट्स लगाई हैं और इसका कितनी प्लानिंग मैं करता रहा हूँ और सब कुछ, वो मेरे माइंड में हमेशा होता था और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं गिव अप करूँगा अपने ड्रीम को। ये सिर्फ इस साइकिलिंग के लिए अप्लाई नहीं होता, ये ज़िंदगी के हर जो है ना आपके हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं आप। जिस तरह हम कश्मीर कॉज की बात करते हैं, अब ये मैं अकेला बंदा था, एक मेरा एम था जो कि सीमिंगली इम्पॉसिबल लग रहा था, जो सारे आपको सिनेरियोज बता रहा हूँ उन सबको देख के, लेकिन ये मैंने कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं गिव अप नहीं करना चाहता था। इसी तरह हम अगर कश्मीर के इशू को भी देखें, उसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बाकी भी डेफिनेटली पाकिस्तानी लोग जो मुझे इसमें सारा दिखे सारी राइड के दौरान कि कितना ज़्यादा कोऑपरेट किया मेरे साथ और कितना ज़्यादा वो कश्मीर के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कैसे करना। तो इतने ज़्यादा लोग कुछ करना चाहते हैं, अगर वो इस ड्रीम के साथ कि हमने कश्मीर को आज़ाद करवाना है, हमने उन्हें उनका हक देना है, अगर इस ड्रीम के साथ स्ट्रिक्ट रहें, कश्मीरी खुद भी और पाकिस्तान की हेल्प करे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कश्मीर को आज़ाद इंशाल्लाह हम करवा सकते हैं। हमें बस उस ड्रीम को छोड़ना नहीं है किसी सूरत भी। So with this beautiful note, I would say that we had a very inspirational and a very good session with you, and we thank you for coming to Karachi actually and for coming here as well. And with this beautiful note, I would like to end this interview with Qudees, and stay tuned. Thank you.